दोस्तों ओप्पो ने लॉन्च कर दिया एक और अपना नया स्मार्टफोन जिसका नाम है ओप्पो K1। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोबाइल है। मैं इस मोबाइल के बारे में आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसा दोस्तों, मेरा नाम है शिवम चौहान और आपका स्वागत है हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, ओप्पो ने अपना नया फोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है ओप्पो K1। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी डिस्प्ले के बारे में बताऊं, तो इसमें आपको 6.4 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है जो कि नॉच डिस्प्ले के आता है। और प्लस बात ये है कि आपको इसमें एमुलेट डिस्प्ले मिलती है, ये बहुत ही अच्छी डिस्प्ले होती है। आपको पता है ये डिस्प्ले सैमसंग के मोबाइल में आती है और ये ओप्पो भी लेकर के आ गया। तो ओप्पो के लिए मेरी तरफ से थम्स अप। अगर मैं इसकी रैम की बात कर लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे 6GB और 64GB स्टोरेज के साथ मिलता है। प्लस इसमें आपको SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, मतलब आपको इसमें 3 स्लॉट दिए गए, 2 सिम के लिए और एक मेमोरी कार्ड के लिए। इसमें जो आपको बैटरी हमें मिलती है 3600 की बैटरी आपको देखने को मिलती है, मतलब 3600 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, 3600 mAh की बैटरी ठीक है, आपके फोन को एवरेज तो चला ही देगी सुबह से शाम तक। आपको 2 कैमरा बैक में मिलते हैं और 1 कैमरा आपको फ्रंट में मिल जाता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग बैक कैमरे की, तो इसमें आपको बैक कैमरा जो दिया गया वो 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया जो कि आता है 1.7 एपर्चर के साथ आता है। सेकेंडरी कैमरा आपको दिया गया जो आपको दिया गया 2 मेगापिक्सल का जो कि आपका आता है 2.4 एपर्चर के साथ आता है। तो कैमरा अच्छे है दोनों बैक में। अगर मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करें, तो इसमें आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 2.0 एपर्चर के साथ आता है। मतलब कैमरा तो अच्छे है, आपको पता है 25 मेगापिक्सल का अगर आपको कैमरा मिल रहा है फ्रंट वाला, 16 प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको बैक में कैमरे मिल जाते हैं, कैमरे तो इसमें अच्छे दिए गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने एक अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ओप्पो K1 के बारे में भी बताया था कि ये फोन भी आने वाला है। तो मैंने उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मोबाइल रखे थे जो कि आपको फरवरी के महीने में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दिया है और नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो जाकर के प्लीज पहले उस वीडियो को देख ले। बात कर लेते हैं इस फोन के हाईलाइट फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको एमुलेट डिस्प्ले दी गई है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और दूसरा जो हाईलाइट फीचर है, इसमें आपको डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है जी हाँ फ्रेंड्स, और जो कि काफी फास्ट है। और साथ ही साथ इसमें आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दिया गया है, तो दोनों ही इसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। काफी सारे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन फोन की जो प्राइस अच्छी नहीं होती तो फोन अच्छा नहीं होता है। ये फोन इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसकी प्राइस इसको अच्छा बनाती है। इसकी जो प्राइस है 664 वाले वेरिएंट की जो प्राइस है 16,990 प्राइस है जी हाँ फ्रेंड, 16,990 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है। 16,990 रुपए में आपको एमुलेट डिस्प्ले और डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर किसी भी फोन में आपको देखने को नहीं मिलता है, ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है। तो इसीलिए ये फोन आपके लिए एक अच्छा फोन हो सकता है। अब देखते हैं कि कौन सी कंपनी 20,000 के नीचे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेकर के आए। आपको क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लो, क्योंकि यहाँ पे मैं मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूं आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।